मैं गुजर रहा था, मैंने देखा बीजेपी सोल इंडिया। मैंने कहा ये मेरे ही लिए नहीं, हिंदुस्तान के हर नागरिक के लिए वो जगह है जहाँ पर वो खड़े होकर अपनी बात कर सकता है। 70 वर्ष मैं टाइम्स ऑफ इंडिया बम्बई का जर्नलिस्ट रहा हूँ, बम्बई से हूँ, बम्बई के कई अखबारों में संपादक रहा हूँ, और पिछले कई वर्षों के आर्थिक इतिहास, पिछले कई वर्षों के स्वतंत्रता के इतिहास, पिछले कई वर्षों के लिए हमारी अभिव्यक्ति को की आज़ादी का इतिहास मुझे बहुत अच्छी तरीके से पता है। मुझे पता है कि पिछले 70 वर्षों में सरकारों ने जो जो बनाया वो किस ढंग से भारतीय जनता पार्टी ने अपने स्वार्थों के लिए भेजा। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने योजना आयोग बनाया था, पंचवर्षीय कार्यक्रम बनाया था, सब खत्म कर दिया। योजना आयोग को खत्म करके नीति आयोग बनाया, उसके पीछे केवल भारतीय जनता पार्टी की एक ही नीति रही कि वे अपने लोगों को, अपने कारपोरेट को स्ट्रांग करना चाहते हैं। मुझे आपकी लोकल समस्या नहीं पता है, सॉरी, मैं पर्यटक हूँ, मैं आज शाम को वापस लौट रहा हूँ, लेकिन जिस ढंग से भारतीय जनता पार्टी की नीयत है, एशियन भेज दिया, रिजर्व बैंक का जो फंड था पूरा ले लिया, क्यों ले लिया, क्योंकि अपने लोगों को देना है, उन्हें 1,00,000 करोड़, जब मैं विषय से हट रहा हूँ, पूरे देश में जो सरकारी स्कूल हैं वे लगभग 1,25,00,000 करोड़ रुपए के हैं। अब उनकी नज़र उन स्कूलों की जमीन पर है क्योंकि वे उन वो जमीन अपने लोगों को देना चाहते हैं। इन्होंने जितने पीएसयू थे इस देश के सब बेच लिए, किसानों के काले कानून इसलिए बनाए कि वे सारी फसल जो है अपने कारपोरेट मित्रों को, दो मित्रों को भेज देना चाहते थे। आप लोगों को याद होगा पंजाब में जब किसान आंदोलन चल रहा था, उस वक्त किसानों को जब ये किसानों पे फसलों के भंडारण के लिए ऑलरेडी अडानी जैसे लोगों ने अपने कैप्सूल्स, अपने खोखे बना के रखे थे, जो आज वो सब वहाँ की जनता ने जियो के टावर तोड़े या दूसरी, हम कारपोरेट या दूसरे तमाम का विरोध करने, मैं तो फिर बीजेपी सोल इंडिया पर भेजना बोलना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने धीरे धीरे सारे पीएसयू ओएनजीसी को बेचने की प्रक्रिया हो गई, एलआईसी को काफ़ी हिस्सा भेज दिया गया, दूसरी तमाम चीज़ें इस देश में भेज दी गई। हम अब अपनी स्वतंत्रता को और अपने आर्थिक चीज़ों को बचाना चाहते हैं। इसके लिए मैं इस बैनर के साथ में खड़े सभी लोगों को सल्यूट करता हूं कि मेरी तो गाड़ी यहाँ से गुजर रही थी, मैंने ये बीजेपी सोल इंडिया देखा और मैंने कहा मैं भी कुछ बात कहना चाहता हूं। हमको इससे होशियार, थैंक यू।